हेलो भाई लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो ज़्यादा चिंकांडी ना करते हुए सीधे सीधे हम लोग अपने वीडियो पे आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर वन है यहाँ पे बायोमेट्रिक स्कोप को इक्विप करना कार 98 में। तो बायोमेट्रिक स्कोप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कार 98 के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि वो कार 98 के साथ आपको रैंक गेम में मिल जाता है। इसका काम क्या होता है, यह लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करता है और आपका एम इम्प्रूव करता है। बेसिकली एनिमी को डिटेक्ट नहीं करता है, ये आपके एमिंग पे ही काम करता है। मतलब एनिमी से जो आपका एम है, वो एम असिस्ट है, वो और ज़्यादा इंक्रीज और ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। मतलब सिंपल भाषा में समझे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और आपका एम जल्दी मिस नहीं होता है। ठीक है, ये तो हो गया स्टेप वन, सबसे पहली चीज़ है। बाकी के तीन स्टेप आप कर लोगे तो भाई आप कार 98 के प्रो प्लेयर बन जाओगे, ये सबसे बेस्ट प्लेयर बन जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात हो गई बायोमेट्रिक स्कोप की। और अच्छी बात ये है कि अवेलेबल होता है। और दूसरी बात, कार 98 की स्पेशलिटी ये है, कार 98 आपको ड्रॉप पॉइंट करते साथ ही मिल जाती है। मतलब आप प्लेन से कूदे और ऐसे काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपको तुरंत कार 98 मिल जाए। और कार 98 की अगर आपके पास ये वाली स्किन है, ये स्किन फ्री में मिलेगी सभी को, तो होप आपके पास होगी। क्लेम करने का ऑप्शन आया था तो उसमें तीन गन्स थी, तो मैंने तो ये वाली क्लेम करी थी कार 98 की। आप कुछ लोग ने M10 भी करी होगी। तो ये स्किन काफ़ी ओपी है, इसमें डैमेज है। तो अगर ये स्किन है तो कभी कभी अगर एनिमी पास वेस्ट नहीं होती है तो ये सीधे सीधे 200 प्लस का डैमेज दे देता है। मतलब एक ही एमओ में बंदा ख़त्म। ठीक है, अगर नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी 175 प्लस का डैमेज आ जाता है, बट है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये तो हो गया सबसे पहला बायोमेट्रिक स्कोप। और दूसरी चीज़ ये कि कार 98 AWM से एक्यूरेसी के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है करंट टाइम पे इस ट्रिक के बाद। ठीक है, स्टेप टू की बात करेंगे, सीधे आते हैं स्टेप टू पे। और एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव करें कार 98 की, यूज़ शार्प शूटर स्किल। बहुत ही बेसिक सा है, सबको पता है कि शार्प शूटर स्किल क्या होती है। मैं ऑलरेडी दो वीडियो में बता चुका हूँ या तीन वीडियो में बता चुका हूँ। तो करना क्या आपको, शार्प शूटर जो स्किल है आपकी, यानी कि जो लॉरा की स्किल है, उसको आपको इक्विप कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करते हैं और नीचे करते हैं और ये देखिए शार्प शूटर सामने लिखा है। इस पर आपको बस क्लिक करना है और इसको इक्विप कर लेना है। इसका काम क्या होता है कि जो आपकी एक्यूरेसी होती है उसको बहुत ही हद तक इंक्रीज कर देती है जब आप स्कोप इन करते हो। मतलब तभी होती है जब आप उसको स्कोप इन करते हो। वेल, अभी दो स्टेप पूरे नहीं हुए और आपकी एमिंग कितनी इंप्रूव हो गई इन सिर्फ दो ट्रिक्स। आपने क्या किया, बायोमेट्रिक यूज़ किया, उससे आपको बहुत अच्छी एमिंग मिल गई। उसके साथ साथ आपने शार्प शूटर भी लगा लिया, यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी और ज़्यादा इंप्रूव हो गई। और बेसिकली यहाँ पे स्कोप इन पे ही सब कुछ वर्क होता है। ठीक है, जो लारा की एबिलिटी है शार्प शूटर, जब आप स्कोप ओपन करके मारते हो तभी वो वर्क करती है, समझ गए। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट फायर बटन से शूट कर दोगे जिसमें ज़रा भी स्कोप नहीं ओपन होता है, तो उसमें लारा की जो स्किल है शार्प शूटर वो वर्क नहीं करेगी, समझ गए आप। तो जो राइट वाला बटन है आपको इसी से मारना है, इसको सेटिंग में जाके कंट्रोल पे जाके होल्ड फायर टू शूट पे सेट कर दो। ठीक है, इतना आप कर लोगे आपके दो स्टेप पूरे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। सिंपल था, फिर से समझा दे रहा हूँ। पहला आपने बायोमेट्रिक स्कोप लगाया कार 98 में, उसके बाद शार्प शूटर स्किल लगाई। अब आते हैं स्टेप थ्री पे। स्टेप थ्री है यूज नो स्कोप ट्रिक। तो जो आपकी पूरी ट्रिक है यहाँ पे, पूरी जो दो स्टेप्स थे वो 100% वर्क करते हैं नो स्कोप ट्रिक के साथ। तो नो स्कोप ट्रिक क्या होती है आपको पता होगा, इसमें बैक टू बैक फायर कैप करते हैं, जैसे मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। तो इसमें होता क्या है, आपको या तो दो कार 98 चाहिए है, तो दो कार 98 चाहिए। उसके बाद एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एनिमी जहाँ पे भी है उसके आसपास आपको जो आपका एम है इसको लेके जाना है। जैसे ये मेरा, मैंने यहाँ पे पेट वाला जो सिंबल लगाया है, तो एनिमी के जस्ट करीब थोड़ा बहुत ले जाइए, जो सर्कल मैंने बनाया था ना, एटलीस्ट वहाँ तक ले जाना है और शूट कर देना है। तो यहाँ पे जो आपका एम असिस्ट है वो वर्क करता है। वो एम असिस्ट कहाँ से आया है, वो एम असिस्ट आया है आपका शार्प शूटर स्किल से और बायोमेट्रिक स्कोप से। ठीक है, तो बस आपको ये चीज़, चाहे लॉन्ग में एनिमी हो, चाहे शॉर्ट में एनिमी हो, चाहे मिड में एनिमी हो, ये ट्रिक हर जगह वर्क करने वाली है। और नो स्कोप ट्रिक जो है ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है एक पूरी वीडियो में। तो अभी नेक्स्ट स्टेप इसका यही है, फोर्थ स्टेप, कि आपको ये पूरा अच्छे से समझना होगा कि ये नो स्कोप ट्रिक है क्या, कैसे वर्क करती है। उसके लिए बहुत ही सिंपल है, स्टेप फोर है आपका। आप साथ साथ आलोक कैरेक्टर का जो गिव अवे है उसका भी अनाउंसमेंट है कब होने वाला है। बेसिक सा है कि
सबसे अच्छी ये ट्रिक वर्क करती है लॉन्ग में, ठीक है। लॉन्ग में बहुत आसानी से वर्क करती है, सबसे अच्छी बात यही है, लॉन्ग में वर्क करती है, मिड में वर्क करती है। और दूसरी चीज, एक्यूरेसी सेम रहती है चाहे आप स्किन यूज करो या ना यूज करो, क्योंकि इस स्किन में एक्यूरेसी पे कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। डैमेज पे है, बट यहाँ पे देखो अब मैं स्किन नहीं यूज कर रहा हूँ और बिल्कुल सेम तरीके से मार रहा हूँ, बिल्कुल भी मिस नहीं हो रहा, आप देख सकते हो मिस हो ही नहीं रहा है। तो ये चीज आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि आप चाहे स्किन यूज करो तो भी ये वर्क करेगी। स्किन नहीं है मेरे भाई आपके पास तो भी टेंशन की बात नहीं है, आप तब भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रदर, ठीक है। तो ये आपने देखा किस तरीके से स्विच करके मारा। और चलो ये तो दो कार 98 से किया है ना, यही ट्रिक सेम ट्रिक आप सिंगल कार 98 से भी कर सकते हो, क्योंकि रैंक में आपको दो कार 98 तो नहीं मिलेगी, आपको सिंगल मिलेगी, ठीक है। सिंगल से भी काम बन सकता है, आप पूरी पूरी स्क्वाड वाइप कर सकते हो। डैमेज थोड़ा सा कम है, अगर स्किन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तब भी इट्स ओके। स्टार्टिंग में किसी के पास वेस्ट नहीं होती है, जब भी हम लोग प्लेन से उतरते हैं तो वेस्ट नहीं होती है किसी के पास, ठीक है। तो वहाँ पे आप एक दो शॉट में ही नॉक कर सकते हो बहुत आराम से बिना हेडशॉट लिए, ठीक है। देखो 176 का डैमेज आ रहा है बिना वेस्ट के, तो काफ़ी ज़्यादा होता है 176 का डैमेज भी, अगर बैक टू बैक आप ऐसे मारते हो तो भाई कोई बचने वाला नहीं। चलो सेम वही चीज़ कि कार 98 सिंगल कार 98 भी आप यूज़ कर सकते हो, उसमें भी एक्यूरेसी सेम लगी। देखिए कुछ इस तरीके से मैं करके आ रहा हूँ, यहाँ पे एक मार रहा हूँ और इंस्टेंटली स्ट्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो शूट एंड रन वाली टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ सिंगल कार 98 से ही मार रहा हूँ, मैं स्विच करने वाली ट्रिक नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ये देखो। तो वही चीज़ दो कार 98 के साथ भी ये ट्रिक अच्छी है, सिंगल के साथ भी अच्छी है। सिंगल के साथ आप थोड़ा सा अपने डिफेंस पे वर्क कर सकते हो और दो के साथ आप बैक टू बैक स्विच करके मार सकते हो, जिसमें आप ज़्यादा अटैक कर सकते हो, ठीक है। दोनों के अपने अपने यूजेस हैं। तो एक और चीज़ है इसके साथ साथ, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है और बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर दिया, आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वरना वीडियो आप मिस कर दोगे, ठीक है। अब इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट, इस ट्रिक को कब यूज़ नहीं करना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभी होता है कि एनिमी का सिर्फ हेड दिख रहा होता है, पूरी बॉडी नहीं दिखती है, तो ये ट्रिक तब वर्क करती है जब एनिमी की बॉडी दिख रही होती है, क्योंकि ये जो एम कनेक्ट होता है वो एनिमी की बॉडी से स्टिक होता है, मतलब जाके चिपकता है एनिमी की बॉडी से। अब यहाँ पे आपने देखा मैंने हेडशॉट लिया उसका, ठीक है, रीजन